औरंगाबाद, तो उस टाइम पे भी व्हाइल आई एम कमिंग टू औरंगाबाद दैट टाइम आल्सो आई एम गोइंग टू टेक द रेगुलर सिलेबस ओनली, आप लोगों का ट्रैक टू वाला, ठीक है? सो डोंट वरी. हाँ करेक्ट करेक्ट लोहिता, राइट. मैंने सिखाया था मसल्स के बारे में. ये पढ़ते नहीं ये लोग और फिर बोलते कि सर अलग क्वेश्चन आया. ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट. वॉट एवर ट्रैक टू अपना चल रहा है, आई एम प्लानिंग टू कम टू औरंगाबाद, तो मैं जब औरंगाबाद आऊंगा तो अपना जो ट्रैक टू चल रहा है औरंगाबाद वालों का, रोटरीज वालों का, वही चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिविजन और एनीथिंग, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. अगर नर्वस सिस्टम रहेगा तो नर्वस सिस्टम चालू रहेगा, एंडोक्राइन रहेगा तो एंडोक्राइन रहेगा, वॉट एवर. ओके, बट आई विल कंटिन्यू द सेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. ठीक है, 2 ढाई घंटा 3 घंटा देखते हैं कैसा, कितने लेक्चर्स हो सकते हैं मेरे एक दिन में. 12th क्लास प्रज्ञा जैसे अपनी ये 2-3 चैप्टर से वो खत्म हो जाएंगे, सो आई एम प्लानिंग की मोस्टली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च विल स्टार्ट विद आवर 12th स्टैंडर्ड. ओके देखते हैं. यस, नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक बिटवीन द टू. रहा तो भी 1-2 दिन का दिया तो पता नहीं अभी वो पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है उसके ऊपर है. सारे सब्जेक्ट के एक साथ खत्म होना चाहिए ना, तो ब्रेक मिल सकता है साहिल, नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना? साहिल राजपूत बात कर रहा है ये. एक्सक्यूज. एक्सक्यूज. चल विल स्टार्ट विद द जॉइंट्स नाउ, जो हम लोग लास्ट टाइम ये इस स्लाइड पे रुके थे. केमिस्ट्री नहीं हुआ तो शायद नहीं मिलेगा, आई नो. देखते हैं. तो सबसे पहला जॉइंट विच वी हैव इज द सीन आर्थरोसिस. लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे हम लोग रुके थे एम्फी आर्थरोसिस एंड द थर्ड वन इज द डाय आर्थरोसिस. सीन आर्थरोसिस का मतलब आता है इट्स अ जॉइंट विच इज इमूवेबल टाइप ऑफ अ जॉइंट, कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं हो सकता है. एम्फी आर्थरोसिस इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट, सो इट इज नोन एज द फिक्स्ड. इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स टाइप ऑफ अ जॉइंट, दिस इज पार्शियली मूवेबल. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिलता है. एंड द लास्ट वन इज द डायआर्थरोसिस, मतलब फ्रीली मूवेबल. ओके, द जॉइंट विच इज विच विल बी एबल टू मूव फ्रीली, सो दैट्स कॉल्ड एज डायआर्थरोसिस. ओके, तो ऐसे 3 अलग अलग टाइप के जॉइंट्स है. सिन आर्थरोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और मेरे ख्याल से 2 या 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स आई थिंक. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर और सूचर्स ऑफ द स्कल. व्हाट आर सूचर्स ऑफ द स्कल? सो दीज आर द सीरेटेड मार्जिन, जो मैंने एक्चुअल स्कल पे भी आपको दिखाया था लास्ट टाइम. दीज आर कॉल्ड, अच्छा ये सारे हिलते हैं क्या ये जॉइंट्स? स्कल कभी ऐसे देखा कि इधर उधर ऐसे हिल रहा है, ऐसा होता है क्या? नेवर. सो नेचुरली दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स टाइप ऑफ जॉइंट, वेयर वन बोन इज यूनाइटिंग विद द अनदर बोन. देन वी हैव द सिंडेमोसिस. द प्रोनंसिएशन इज सिंडेमोसिस, एस इज साइलेंट, यू हैव टू प्रोनाउंस दिस एज सिंडेमोसिस. ठीक है, नेम इज सिंडेमोसिस, शिंदे मौसी बोलने का नहीं इसको. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंडेमोसिस, विच इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और इंट्रोशियस जॉइंट, दो बोन्स के बीच में. डू यू रिमेम्बर, मैं जब आप लोगों को बोन दिखा रहा था तो उस टाइम पे मैंने दिखाया था, हाँ कृष्णा हंस रहा है, आई नो सही नाम है. तो दो बोन के बीच में मैं दिखा रहा था कि जैसे रेडियसन अल्ना के बीच में या फिर टिबिया एंड फिबुला के बीच में छोटा सा गैप रहता है. सो दैट गैप इज फिल्ड विद दिस मेम्ब्रेन नोन एज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. इंट्रा मतलब बिटवीन, ऑशियस मतलब बोन. सो मेम्ब्रेन विच इज फाउंड बिटवीन द बोन्स, सो दिस इज सिंडेमोसिस. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट जॉइंट इज द गॉम्फोसिस. इसमें एक ही जॉइंट आता है, कौन सा? द जॉइंट फॉर्म बिटवीन द गम एंड द टीथ, सो दिस इज नोन एज पेग एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, सो दिस इज द टीथ एंड दीज आर द गम्स, सो द दे आर गोइंग टू फॉर्म अ जॉइंट, राइट? सो दिस इज ओनली वन जॉइंट इज देयर इन गॉम्फोसिस, दैट इज The joint between the teeth and the gums, so that's called as the peg and socket joint. ठीक है, तो ये 3 joints आते हैं syn arthrosis में. These are all, दांत हिलता है क्या? गोल 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 घूमता है, कभी नीचे आ गया कभी ऊपर चला गया, so ऐसा नहीं होगा. So these are the 3 important joints which we have. Yes, good evening Atharva. So this is sutures of the skull, syndemosis and gomphosis. तो ऐसे ये 3 joints है.
उसके बाद देन वी हैव एम्फियोर्थ्रोसिस. अभी एम्फियोर्थ्रोसिस में क्या होता है, एम्फियोर्थ्रोसिस विच इज ऑल्सो नोन एज द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. वाई इट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स. दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, वी कॉल दैट एज आर्टिकुलेटिंग सर्फेस. ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एंड बिकॉज बिटवीन द टू बोन्स देर इज कार्टिलेज, देयरफॉर दिस जॉइंट विल बी एबल टू मूव स्लाइटली. यस, रिब्स में प्रेजेंट होता है, करेक्ट. ठीक है, तो एम्फियोर्थ्रोसिस के टाइप्स आते हैं. सबसे पहला आता है सिनकोंड्रोसिस. सिन मतलब फ्यूजन, कॉन्ड्रोस मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज के फ्यूजन से बना हुआ. सो दिस इज नोन एज एपिफाइजियल प्लेट. जो एरो की तरफ आपको यहां पे एक और यहां पे एक दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज द एपिफाइजियल प्लेट, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट विच इज फॉर्म्ड हियर. दिस इज शाफ्ट ऑफ द बोन, एंड दिस वन इज बेसिकली, दिस वन इज नोन एज, यस, सो दिस इज डायफाइसिस, एंड दिस वन इज नोन एज एपिफाइसिस. ये वाला एक एपिफाइसिस, ये दूसरा एपिफाइसिस है, and this is the shaft of the bone. So epiphysis or diaphysis, as you can see here, diaphysis and epiphysis, ye dono ke beech mein ye joint banta hai. It's a temporary joint, throughout life nahi rahega ye joint. Okay, so it's a type of temporary joint. And then we have the next important, that is symphysis, which is nothing but the typical joint present between the two pelvic bone, symphysis pubis or pubic symphysis. ओके, तो ऐसा ये जॉइंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज द सिम्फाइसिस, राइट. सो सिनकोंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस, तो ये दो जॉइंट है. एंड द थर्ड वन विच वी हैव इज द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट. इंटर मीनिंग बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच वाला जॉइंट. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट. वी नो दैट देयर इज कार्टिलेजिनस डिस्क विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रा. मैंने दिखाया था आप लोगों को दो वर्टिब्रे, और उसके बीच में रहता है ये कार्टिलेजिनस डिस्क. ओके, सो वी कॉल दिस एज व्हाट, वी कॉल दिस एज द इंटर वर्टिब्रल जॉइंट. ठीक, तो ये हो गया आपके एम्फियोर्थ्रोसिस के तीन जॉइंट्स, राइट. और उसके बाद द नेक्स्ट जॉइंट विच वी हैव इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और ऑल्सो नोन एज डायआर्थ्रोसिस. डायआर्थ्रोसिस are also called as the synovial joint, or also known as the freely movable joint. Synovial joint iske liye bola gaya hai because there is fluid present in this joints. Ye joint ke andar fluid hota hai, so usko hum log bolte hai synovial fluid, right. So it is known as the synovial joint, or also known as the freely movable. Matlab ye bahut easily move ho sakta hai. Jaise for example the joint formed between the head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula, or the joint which is formed between the head of the femur and the acetabulum of the pelvic bone. So wo kaun sa joint ho gaya, to usko hum log bolte hai ball and socket joint. Okay, there is head is like a ball and the cavities are like a socket, so it is called as the ball and socket type of a joint. Then we have one more important joint which is like this, जो अभी कोई तो भी साहिल मुझे बोल रहा था कि जैसे knee joint है या फिर elbow joint है. अभी knee joint मतलब एक ही direction में move होता है, बराबर है, या फिर elbow joint. Elbow joint का भी आप example लोगे तो जैसे ये मेरा हाथ है, so I can move my hand like only like this. ठीक है, मैं ऊपर ही कर सकता हूँ, मैं उसको नीचे नहीं ला सकता हूँ, right? So it is like a hinge which is present on the door. Door का जो hinge होता है वैसा ना, इसके लिए उसको बोला गया hinge joint. ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन इज हिंज जॉइंट, इसको हिंगे जॉइंट नहीं बोलने का, इट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट. देन वी हैव वन मोर जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द, दिस इज विच बोन, ये वाला बोन कौन सा है जिसको अभी मैंने एरो किया, वो विच इज दिस बोन, मेटाकार्पल बोन. और ये वाले कौन से बोन्स है, वेरी गुड. सो द जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल बोन, सो इट इज नोन एज द ग्लाइडिंग टाइप ऑफ अ जॉइंट. ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया. नेक्स्ट उसके बाद आता है, दिस इज नोन एज द कॉन्डाइलॉइड जॉइंट. ओके, सो कॉन्डाइल मतलब ये वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जैसे ये ऐसा गोल स्ट्रक्चर है ना, सो दिस स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्मड हियर एंड देन इट इज फिटिंग इनटू द, सो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज गेटिंग फिटिंग इनटू द सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द अनदर बोन. सो दिस इज नोन एज द लाइक अ कॉन्डाइल. जैसे मैंने आपको बताया था स्कल के ऊपर भी कॉन्डाइल होता है, सो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट. Then we have one more joint here. This is known as saddle joint. It's a specific joint which is formed between the first carpal bone and metacarpal bone of the thumb.
करेक्ट, फर्स्ट कार्पल बोन इज नोन एज ट्रेपीजियम, और उसके साथ जॉइंट कौन है, मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब। ओके, तो ये वाला यहां पे, तो दिस वन, ठीक है, तो ये जो जॉइंट मैं अभी मूव कर रहा हूं मेरा थंब, सो दिस इज द जॉइंट विच इज गेटिंग मूव्ड हियर, सो दिस इज नोन एज, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ जॉइंट कॉल्ड एज अ सैडल जॉइंट। इसको सैडल क्यों बोलते हैं, बिकॉज द शेप ऑफ द जॉइंट इज लाइक अ सैडल। व्हाट इज सैडल, इट्स अ लाइक यू नो लेदर स्ट्रक्चर विच इज पुट ऑन द हॉर्स वेयर वी विल सिट ऑन दैट, सो इट्स कॉल्ड एज अ सैडल, जिसके यस हॉर्स बैक के ऊपर हम लोग रखते हैं, सो दैट द शेप अपीयर्स लाइक दैट, इसके लिए उसको बोला गया सैडल जॉइंट। ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द पिवोट जॉइंट। Okay, so this will work like a pivot. Do you remember many vertebras dikhaye the aapko, axis and atlas vertebra. So the joint which is formed between the axis and atlas vertebra. Okay, just a minute. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर वन मोर जॉइंट कॉल्ड एज द पिवोट जॉइंट, जिसमें अच्छा ये पिवोट क्या होता है, दिस वी विल लर्न एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस जॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द ओनली जॉइंट विच इज देयर इन आवर बॉडी, एटलस एंड एक्सिस जॉइंट, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, सो कॉल्ड एज द पिवोट जॉइंट। एंड देन वी हैव, अच्छा ये सारे जो होते हैं ना, ऑफकोर्स हाँ, सो करेक्ट गौरव, सो दिस इज नोन एज द ओडोन्टॉइड प्रोसेस, द डेंस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड हियर इज नोन एज द ओडोन्टॉइड प्रोसेस, राइट। ओके, तो ये छह जॉइंट्स आते हैं, सो ऑल दिस सिक्स जॉइंट्स आर गोइंग टू फॉर्म अ बेसिक टाइप ऑफ अ जॉइंट दैट्स कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और आल्सो नोन एज सिनऑर्थ्रोसिस, करेक्ट, और अदर सॉरी डायऑर्थ्रोसिस। ओके, चलो अभी सिनऑर्थ्रोसिस मतलब फाइबरस जॉइंट, और आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट, तो उसमें सबसे पहला जो जॉइंट आता है दैट्स कॉल्ड एज द सूचर्स ऑफ द स्कल। यू कैन सी दैट there is a white fibrous connective tissue present between these two bones, ekdam thoda hota hai lekin hota hai, so the connecting structure, so one bone is getting connected to another with the help of a white fibrous connective tissue, and that is how this joint will be formed. So here this particular joint, this connective tissue, so this connective tissue here will be made up of the collagen fibers, so ye pura banta hai collagen fibers, and since it is made up of collagen fibers, so it does not provide and permit any movement. Okay,
एक मिनट, हाँ, somebody is calling me. Just give me a minute. Just a minute, students. ओके चलो चालू करते हैं. या शैल वी? यस सर. ओके नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एज इट शोज सीरेटेड मार्जिन्स, दिस आर नोन एज अ सीरेटेड मार्जिन लाइक अ हैक्सॉ. आपने पेड़ काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं आप, इज कॉल्ड एज द हैक्सॉ. सो इट हैज दिस सीरेटेड मार्जिन्स लाइक ए, ठीक है, एंड दिस सीरेटेड मार्जिन्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉक एंड की मैकेनिज्म दिस पर्टिकुलर ज्वाइंट विल नॉट बी एबल टू मूव. सो ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटक जाता है, जैसे अभी मेरा हाथ दिखा रहा हूं. सो इट इज गेटिंग स्ट्रक लाइक दिस, सो इट वॉन्ट बी एबल टू मूव. सो दिस इज नोन एज द सिनऑर्थ्रोसिस और फाइब्रस ज्वाइंट. Now, why do we need immovable joint? इनकी जरूरत क्यों होती है? Why do we require this? Now, सबसे पहला तो it is necessary for the growth of the individual. कौन सा last slide दिया? ये वाला. हो गया? Yes, sir. Done. Okay, so basically during growth, जब हमारा growth होता है ना, while we are growing inside the mother's womb. Now, once the growth of the baby is complete. ठीक है, एट दैट टाइम द डिलीवरी ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस. एंड रिमेंबर स्कल, दिस इज द स्कल विच इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी. सो नेचुरली बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, बराबर है, ये बोन्स का बनता है, इसके लिए ये प्रॉब्लम है. सो वॉट हैपन्स एट दैट टाइम वेन वी आर इन अ फीटल एज, सी हाउ द स्कल इज. And there is a lot of space present between the bones. यानी frontal bone, parietal bone, occipital bone, सबके बीच में ऐसा space होता है. Now why this space is present? It is only for the growth of the brain. ठीक है, ताकि brain का growth होता रहे. Otherwise क्या हो जाएगा? If the brain doesn't grow, right? तो फिर problem आना चालू हो जाएंगे. But that should not happen. That is why this particular structure is necessary. It is important.
समझ में आ रहा है सबको ये. सो एज द बर्थ ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस, सो ऑल दीज बोन्स विल स्क्वीज, जब ये सारे बोन्स ऐसे स्क्वीज होना चालू हो जाते हैं, एंड देन द हेड विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी थ्रू द वजाइना, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नेसेसरी. और जो यहाँ पे ना ये जो गैप रहता है, जो वो जो स्कल याद है तुम लोगों को, स्कल के ऊपर भी ऐसा सर्कल निकाला हुआ था. सो द गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, जो हम लोगों को आफ्टर द बर्थ ऑल्सो बेबी के यहाँ पे फील होता है, वी कॉल दैट एज फॉन्टानेल. मराठी में उसको हम लोग टाड़ू ऐसा बोलते हैं. सो व्हाई दिस इज प्रेजेंट, एंड दे से दैट इट इज वेरी सेंसिटिव, और उसके ऊपर बहुत सारा तेल लगाते हैं और उसको मालिश करते हैं. सो देयर इज नो नीड फॉर सच टाइप ऑफ मसाज एंड पुटिंग ऑयल और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता नहीं. दीज आर द बोन्स विच विल फ्यूज ऑन देयर ओन. देयर इज साइंटिफिक रीजन व्हाई देयर इज गैप प्रेजेंट हियर. सो दिस गैप इज प्रेजेंट सो दैट द हेड ऑफ द बेबी शुड स्क्वीज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. यस, इट कैन बी प्रेस्ड ऑल्सो, सो इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट. तो वहां पे टच नहीं करना कभी, बिकॉज देयर इज नो टिश्यू. Rather, there is no skull being present. है ना, skull bone नहीं है, सीधा अंदर का tissue है, right? तो सीधा skin है ना, skull नहीं है. Skin और skin के ऊपर के hairs है, बाकी कुछ है नहीं. Fascia है मतलब, इसका मतलब. So it's going to be very sensitive. Correct? So it can be pressed also. So you have to be very cautious. Yeah? Please show question. कौन सा question? अच्छा ये, why do we need immovable joint? Okay. Done. Pragya, this is the question. Why do we need immovable joint? Yes, sir. अच्छा ये कैसे recover होता है? तो जैसे baby का birth हो गया, तो अभी now work of fontanelle is done because fontanelle is necessary majorly for this. At the time when we are in this fetal age, growth of the brain के लिए जरूरी होता है, so that the brain will get space and thus the bones will. That is why the bones are apart. धीरे धीरे bones एक दूसरे के साथ close होना चालू हो जाते हैं because there is growth of the bone which is taking place. So the bones are also growing. Okay. राइट right? और फिर क्या हो जाता है, जैसे ये बोन्स धीरे धीरे ऐसे ग्रो होते जाएंगे, द स्पेस बिटवीन द बोन्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. तो धीरे 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 ऐसे रिड्यूस होते जाएगा, एंड देन देयर विल बी टाइम, देन देयर विल बी कंप्लीट ऑसिफिकेशन ऑफ दीज बोन्स विल टेक प्लेस लाइक दिस. तो सारे बोन्स ऐसे ऑसिफाई हो जाएंगे. करेक्ट. सो द ग्रोथ ऑफ द बोन्स विल टेक प्लेस, एंड देन देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट फ्यूजिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. Yes, so it directly actually opens into the brain. Correct, Gaurav. But then of course there will be presence of skin. Phir skin ke niche fat rehta hai, fat tissue, underlying fat. So that's subcutaneous fat. Phir uske baad phir meninges aayenge aur phir brain aayega. That is why it is sensitive. Yeah? Samajh mein aa raha hai aapko ye? How it fuses? Aisa mujhe kisi ne pucha tha ki, haan, how it recovers? Dipang करने पूछा था. सो दिस इज हाउ इट रिकवर्स. रिकवर मतलब ये फ्यूज हो जाएगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद धीरे धीरे सारे बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक. सो दैट इज हाउ द फॉन्टेनल्स विल बी सीन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट विच वी हैव. या दैट्स कॉल्ड एज द यस सूचर्स ऑफ द स्कल. ठीक है. अब ये पूरे स्कल पे कितने सूचर्स होते हैं, तो द स्कल हम लोगों ने देखा था, उसी का फिर से ये ले लेते हैं. सो दिस इज हाउ द स्कल विल लुक लाइक. सो दिस आर ऑल द बोन. ये कौन सा बोन है? दिस वन इज द फ्रंटल बोन, दिस वन इज पैराइटल, दिस वन इज ऑक्सीपिटल, एंड दिस वन इज टेम्पोरल. करेक्ट. याद है तुम लोगों को? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल. साइड में टेम्पोरल होता है. ओके. नाउ सर प्लीज सो प्रीवियस स्लाइड. ये वाला? यस सर. सर डन. आदित्य हो गया? आलोक, ओमकार. ओके. चल ना, दीज आर द बोन्स. बराबर है. ये टिपिकल क्रेनियम है ना, ये पूरा मतलब ये ऐसा क्रेनियम है आपका, राइट right? इस तरीके से. सो दिस द एंटायर क्रेनियम, एंड दीज आर ऑल द क्रेनियल बोन्स, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एंड टेम्पोरल बोन. सो इन केस ऑफ यंग एंड न्यू बोन्स, द सूचर्स दे लीव द गैप. अभी इसके बीच में गैप्स होते हैं. सो देयर आर सिक्स फॉन्टेनल्स इन द स्कल, बट दे ऑल विल गेट ऑसिफाइड बाय द एज ऑफ 2 इयर्स. सबसे बड़ा इधर ऊपर रहता है. तो ऐसे 6 फॉन्टेनल्स रहेंगे, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा. तो 3 ये साइड पे रहेंगे, 3 दूसरे साइड पे रहेंगे. तो ऐसे टोटल 6 रहेंगे फॉन्टेनल्स. ओके.
three on this side and three on the other side of the skull. So likewise, we have six fontanelles, and all these fontanelles will fuse, will be ossified. Ossification ka matlab aata hai fusion of the bones. So all the bones, they will ossify, meaning all the four bones will ossify to form a single cranium. But they of course will leave that particular joint. So joint dikhayenge aapko. Aur wo joint bhi kaisa rahega? That joint will be in the form of serrated margins. Okay, so the flexibility is necessary during parturation. Jo main abhi bol raha tha aapko. See, this is how the delivery of the baby will take place. So during that time, the head should squeeze. Otherwise, the head will not be able to come out from the female vagina. And that is why it is essential. Okay, ha, ye lo last slide. For what, Deepankar? How many pages to leave? Why do you want to leave the pages, Deepankar? Deepu, bolo bhai. Achha, you joined late. Two pages. Ishita ne bola two pages. Chhod de two pages. Chalo. Now, there is flexibility which is necessary during parturation. So, the head bone should be flexible. So, for that, basically, these fontanelles are necessary. Okay? So, fontanelles will provide flexibility during parturation. Okay? Is provided by fontanelles. Okay, fontanelles bolne ka, fontanelles aisa nahi bolne ka, right? Now, what are these sutures of skull? Kaun kaun se hote hai? Now, sutures of skull are nothing but the serrate joints. Can you see? It appears like a jigsaw, rather you can say like a hacksaw ki tarah hai ye. ठीक है पजल्स को भी होता है ना जिग्सॉ पजल्स को भी लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है वैसे ये रहता है सो दिस इज लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म व्हिच वी हैव सो दिस इज नोन एज द सीरेट सीरेशंस का मतलब आता है दीज शार्प मार्जिन सो दीज आर नोन एज द सीरेशंस सो द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आर इंटरलॉक विथ ईच अदर सो लाइक दिस दे विल बी इंटरलॉक्ड ठीक है सो दैट इज हाउ वी फाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट एंड बिकॉज दे आर इंटरलॉक्ड देयरफॉर दे बिकम मोर फिक्स्ड And it is essential क्योंकि ये ऊपर के bones हमारे skull के जो bones है ना उनको ऐसे कुछ हिलने की जरूरत भी नहीं है it is not necessary also जरूरत नहीं है तो that is why and plus it is protecting the brain which is the most important organ correct now what are the different types of sutures कौन-कौन से sutures होते हैं अभी इधर थोड़ा सा ध्यान दो now we have this frontal bone here बराबर है जो green color का है right उसके पीछे या फिर उसके बैक साइड में रहता है और एक बोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पराइटल बोन और ये जो साइड में जो बोन है दिस इज नोन एज द टेम्पोरल ये टेम्पोरल बोन है बट दिस इज पराइटल बोन सो वी हैव विच बोन फ्रंटल बोन एंड पराइटल बोन अभी फ्रंटल बोन और पराइटल बोन के बीच में यहां पे एक ऐसा सूचर बनेगा करेक्ट यहां पे एक ज्वाइंट बनेगा सो इट्स अ ज्वाइंट विच इज फॉर्म बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पराइटल बोन Okay, so we call this suture as coronal suture. So your coronal suture aisa rahega, like this. Theek hai? So this is coronal suture. It's a suture, matlab kya? Joint, which is formed between the frontal bone and parietal bone. Clear? Hello? Aage badhu. So this is coronal suture. Coronal suture ke baad next, we have two parietal bones. One on each side, one left parietal and right parietal. And you can see that there is a joint which is formed between the two parietal bones. So the joint which is formed here is known as, this is called as sagittal suture or the suture is known as the sagittal suture. Correct? So this is coronal suture. This one is sagittal suture. Okay? So this is called as the sagittal suture. And there is another suture which is formed between the two parietal bones and one occipital bone. This is one parietal bone, another, and this one is occipital bone. So, agar aap dekhoge, to piche ki taraf aisa ek pura aisa suture banta hai. Okay, like this. So, formed between the two parietal and one occipital bone. This suture, ye suture kaun sa hai? Jo abhi main nikal raha hu. Ye suture kaun sa hai? वेरी गुड सो दिस इज सजाइटल सूचर तो यहाँ पे ये जो सूचर बनता है ना दिस इज नोन एज लैम्ब्रॉइड सूचर और लैम्ब्रॉइडल सूचर
Okay, so it is called as lambdoid suture or lambdoidal suture. तो अभी बचा कौन? So we have अभी बचा कौन है? बोलो जल्दी. Temporal bone के बीच में बचा है ना, temporal bone और parietal bone बचा है. So there is a suture which is formed between the parietal bone and the temporal bone. तो ये वाला suture, correct? तो ये बहुत आसान रहेगा. It is known as lateral suture. Why lateral? Because it is away from the center. Side में है ना, इसके लिए lateral suture. Correct? So this suture is known as the lateral suture. तो कौन कौन से sutures हुए हैं? तो सबसे पहला तो suture between the frontal and parietal. कौन सा सूचर है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में? कॉर्नल सूचर इज और कॉर्नल सल्कस ने बोलने को कॉर्नल सूचर. देन बिटवीन टू पैराइटल बोन कौन सा है? सज्जाइटल सूचर. वेरी गुड. बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल कौन सा है? Lambdoidal suture. Okay, and the last one ये वाला between the parietal and temporal. Correct. So this is which suture? Lateral. Yes. तो ये ऐसे चार sutures बन गए. Lateral suture, lambdoidal suture, sagittal suture and coronal suture. So if an infant gets hurt on that part, then we will get a yes. Then he will definitely get a very severe injury. Matlab, there is direct damage to the brain, which is also possible if the injury is major. Lateral sutures do honge na, ek ye side pe, ek ye side pe. Correct? So we have coronal suture like this. We have sagittal suture like this. We have lambdoidal suture like this and we have lateral suture like this. Okay, तो आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये वाला suture आपका कौन सा suture है? Coronal. यहाँ पे जो suture आएगा ये कौन सा suture आएगा? Sagittal. तो इधर एक suture बनेगा, ये कौन सा suture बनेगा? Lambdoidal. और ये side में जो है उसको हम लोग बोलते हैं lateral suture. बस तो गजनी का हेड याद रखो. गजनी मूवी में आमिर खान का सर ऐसे था ना, उसका हेयर स्टाइल इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, वैसे ही चार लाइंस याद रखो. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू विल सी दिस. यस, उस पे लिखा भी था. तो हम लोगों को इधर क्या लिखने का है? इधर लिखो फ्रंटल बोन, इधर लिखो पैराइटल बोन, इधर लिखो ऑक्सीपिटल बोन, इधर लिखो टेम्पोरल बोन. ओके, ठीक है. सो इट इज, अच्छा इसको ना मेडिकली अगर आप थोड़ा सा एनाटॉमी की तरफ जाते हो, मतलब मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तो दीज सूचर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रंटो पैराइटल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन. दिस सूचर विल बी नोन एज इंटर पैराइटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स. ये वाला जो सूचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैराइटो ऑक्सीपिटल सूचर बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन. एंड दिस सूचर विल बी नोन एज व्हाट? पैराइटो टेम्पोरल सूचर और टेम्पोरो पैराइटल सूचर, ऐसा बोल सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन. क्लियर? नहीं, ये नहीं लिखा तो कैसे याद रख सकते हो ये सारे सूचर्स? ओके, गुड सर. माइक ऑप्शन. सोफिया, आदित्य, सोनाली बनकर. सोनाली बनकर काय बंद करायचं? चलो, हो गया. ठीक है, सो दैट इज हाउ द अदर नेम फॉर द सेम टाइप ऑफ सूचर्स विच वी हैव. सूचर्स के बारे आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट, दैट इज शिंदेमौशी. नो, सिंडेमोसिस. ओके, नाउ व्हाट इज सिंडेमोसिस? अगेन, इट्स अ टाइप ऑफ फिक्स जॉइंट, अ जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन द टू बोन्स, दैट इज रेडियस एंड अल्ना. एंड कौन सा दूसरा है? रेडियस अल्ना रहेगा तो दूसरा कौन सा रहेगा? बोलो जल्दी.
टिबिया एंड फिब्यूला ऐसा वर्ड है, फिबिया एंड टिब्यूला नहीं बोलने का उसको, बाद में ना बच्चे फिबिया एंड टिब्यूला बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज टिबिया एंड फिब्यूला. ओके, सो बिटवीन द रेडियस एंड अल्ला वी हैव अ मेम्ब्रेन, सो दैट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. इंट्रा मीनिंग बिटवीन, ऑशियस मतलब बोन, सो द मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बोन्स इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, एंड दिस इज अगेन मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. तो ये क्या काम करता है, दो इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड जॉइंट, लेकिन थोड़ा सा माइनर मूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं. कैसे, जैसे मेरा हाथ ऐसा है, बराबर है, यू कैन सी फोटोग्राफ में मेरा हाथ ऐसा है, तो ये नॉर्मल पोजिशन है, दिस वन इज अल्ना, दिस वन इज रेडियस, बराबर है. व्हेन आई मूव, मतलब ये दो बोन्स ऐसे है, जब मैं हाथ को ऐसे करता हूं, व्हेन आई मूव माई हैंड लाइक दिस, तो ये बोन ट्विस्ट हो गया ना ऐसे, बराबर है, यस और नो? अच्छा, ट्विस्ट होने के बाद ये बोन एक दूसरे के साथ अटक जाते हैं क्या? अटक गया, फिर अभी हाथ ही नहीं घूम रहा है मेरा, अभी मैं क्या करूं, सर्जरी करूं? नहीं, वो क्यों नहीं होता, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन. सो दिस मेम्ब्रेन अलाउज अ स्पेसिफिक मूवमेंट ओनली एंड अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, नॉट बियॉन्ड दैट. बियॉन्ड दैट करोगे तो ज्वाइंट फिसल जाएगा या टूट जाएगा या बोन टूट जाएगा, करेक्ट? ठीक है, सो इट मेक श्योर दैट दो द बोन्स आर गेटिंग ट्विस्टेड, बट ये दोनों बोन्स का जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, वो हिलेंगे नहीं, मतलब फिक्स रहेंगे, इसके लिए फिक्स जॉइंट बोलते हैं उसको. ठीक, राइट, सो दिस इज सिंडेमोसिस, सिंडेमोशी. नेक्स्ट वन इज द गॉम्फोसिस, मैंने एक ही बताया आपको, गॉम्फोसिस ऑल्सो नोन एज द फिक्स जॉइंट और अ पेग एंड सॉकेट जॉइंट. ये पेग जो आप लोग समझ रहे हैं वो वाला नहीं, ये पेग अलग है. सो दिस इज पेग इज नथिंग बट द टीथ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द पेग एंड सॉकेट जॉइंट. सो इट्स अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थीकोडोंट टाइप ऑफ अ टूथ और टीथ. थीकोडोंट मतलब क्या, द टीथ आर अटैच्ड इन द सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन, राइट? सो उसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट टूथ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस इज नोन एज, दिस इज द रूट ऑफ द टीथ which is getting attached to the socket of the jawbone. अतरो बोल रहे सर आज आप अच्छे मूड में लगते हो, क्यों, क्या हो गया? हाँ बराबर, रामुन तो अलग ही समझेगा, क्या हो गया अतरो आज एकदम ऐसे अच्छे, रोज तो अच्छे मूड में रहता हूं. चलो एनीवे, लेकिन ये जॉइंट के, ये जॉइंट का खासियत क्या है? अच्छा, एनी जॉइंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जॉइंट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉइंट, कैन एनीवन टेल मी जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हेल्प इन मूवमेंट. ओके, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट? मूवमेंट हो गया, वेरी गुड. शॉक अब्सॉर्बर. शॉक अब्सॉर्बर, ओके. पेग मींस द टीथ, रूट ऑफ द टीथ. ठीक है, हाँ, और क्या जॉइंट में क्या होता है? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ जॉइंट? व्हाट आर जॉइंट्स मेड अप ऑफ? What are joints made up of? Very good, Alok. Alok has said it correctly. Joints में रहता है. Very good, Sanika Walimbe. Very good, Zoya. Good. So basically, they have the ligament. हलू. So they have the ligament. बराबर है, दोनों के बीच में ligament होता है. तो ये दोनों के बीच में भी ligament रहेगा. जैसे ये peg है और ये socket है. This is teeth and this is the gum. So यहाँ पे ना रूट ऑफ द टीथ के आजू बाजू में हियर वी आर गोइंग टू हैव अ लिगामेंट. सो दिस लिगामेंट इज प्रेजेंट. अच्छा, ये कहां पे लिगामेंट है? इट इज प्रेजेंट अराउंड, यस, अराउंड, वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट अराउंड द, बोलो जल्दी, पेग. व्हाट इज दिस? ये क्या है? टूथ. टीथ. टीथ का ये क्या है? बराबर है. सो कैन आई से इट इज प्रेजेंट अराउंड द रूट ऑफ द टीथ? इसके लिए ये वाला जो लिगामेंट होता है, दिस इज नोन एज पेरियोडोंटल लिगामेंट. पेरी मीनिंग अराउंड, ओडोंटल मीनिंग टीथ. लिगामेंट विच इज प्रेजेंट अराउंड द टीथ इज पेरियोडोंटल लिगामेंट. गेटिंग दिस? यस. Good. And this is how it's going to form a type of a joint. So, this is a fixed joint.
ठीक, ये डायग्राम कहीं तो भी निकाल के रखो, इंपॉर्टेंट है, पेरियोडोंटल लिगामेंट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा सुनो स्टूडेंट्स, ये हो गया क्या लिख के? हो गया ना? हाँ अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट अभी लगेगा। सो दिस इज पेरियोडोंटल लिगामेंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सो अगेन इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, सो दैट्स कॉल्ड एज पेरियोडोंटल लिगामेंट। आप एक काम करो, इन द मीन टाइम 5 मिनट का ब्रेक भी ले लो। ओके थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्क है वो खत्म कर लेता हूँ, तब तक प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ओके तो ये तो हो गया हमारा एक टिपिकल जॉइंट, जो द वन विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ, दैट इज द पेग एंड सॉकेट टाइप ऑफ अ जॉइंट, एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट विच वी हैव। ओके द लिगामेंट विच इज फॉर्म्ड अराउंड द रूट ऑफ द टीथ, ओके सो दैट्स कॉल्ड एज अ पेरियोडोंटल लिगामेंट। द नेक्स्ट जॉइंट विच वी हैव इज द एम्फीआर्थ्रोसिस, ऑल्सो नोन एज द कार्टिलेजिनस जॉइंट, or also called as slightly movable. Achha, why it is called as cartilaginous joint? Because the articulating surface, matlab bone ke aise do surface jo ek dusre ke saath joint hone wale hai, these two surfaces will have the attachment of the cartilage. Meaning, one bone will be attached with another bone with the help of a cartilage. So neither it's a type of fixed joint, nor it's a type of freely movable joint. That is why ये दोनों के बीच में है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं cartilaginous or intermediate type of a joint. Okay, so it is neither fixed nor it is freely movable. So intermediate type of a joint, ऐसा हम लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है. Okay, so this is how we see the typical structure of amphiarthrosis. Now, how does the movement occurs? अभी इसमें movement कैसे होता है? Yes, Pragya, you want to say something? Pragya को mic चाहिए. Okay, दे दिया. Okay, how does the movement takes place here? As you can see here, Sanika को last slide चाहिए. हाँ, ये लो last slide. Okay, Sanika. Yes, sir. Okay.
So now the movement will take place here. Just say, for example, bending of the bending movement or the twisting movement. So these movements are possible, or compression. These are the possible movements which we have when it comes to amphiarthrosis. Kya nahi Aman? Nahi kya? Mr. Aman. Achha. Ye lo ho gaya? Yes, sir. ओके नाउ एम्फी आर्थ्रोसिस में अगर आप देखोगे तो इसमें भी टाइप्स आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. वन इज नोन एज द सिनकोन्ड्रोसिस एंड द अदर वन इज नोन एज सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस में एक ही जॉइंट है. सिनकोन्ड्रोसिस मतलब क्या? इट्स अ जॉइंट विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोस. कॉन्ड्रोस का मीनिंग आता है कार्टिलेज. सो सिन मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ द टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. यस करेक्ट दिया. सो दैट इज एंड सिम्फाइसिस इज बेसिकली वन एग्जाम्पल, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिस सिम्फाइसिस. द प्यूबिक बोन विच इज अ पार्ट ऑफ योर, विच बोन, कौन से बोन का पार्ट होता है? दैट इज पेल्विक बोन. ओके, सो दैट इज हाउ द जॉइंट विल बी फॉर्म. प्रीवियस स्लाइड, या दिस वन, इसमें है नहीं कुछ लिखने के लिए. डन. Yes. चलो गुड. अच्छा अभी ना सिम्फाइसिस में देन वी आर गोइंग टू हैव इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड देयर इज अनदर जॉइंट दैट इज नोन एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मतलब क्या? इट्स अ जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन द टू वर्टिब्रा. दैट इज व्हाई दैट ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट इज पॉसिबल. मम्मा तो रुकता नहीं है. जाना जा, मुझे क्या करना? प्रज्ञा नहीं जाना है, मैं ले जा. अरे प्रज्ञा तेरा माइक चालू है बेटा. प्रज्ञा किसी को डांट रही है. चलो सिम्फाइसिस प्यूबिस और ऑल्सो नोन एज द सिम्फाइसिस प्यूबिस विल हैव दिस टू प्रेजेंटेशन. वन इज द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड अदर वन इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है. और सिनकोन्ड्रोसिस कौन सा होता है? तो वो हम लोगों ने कार्टिलेजिनस जॉइंट देखा था ना, द वन विच इज फॉर्म बिटवीन द लॉन्ग बोन्स के बीच में रहता है. ठीक है. सो हियर वी हैव दिस एपिफाइजियल प्लेट. सिनकोन्ड्रोसिस का पहला और रादर एग्जाम्पल ऑफ सिनकोन्ड्रोसिस इज द एपिफाइजियल प्लेट. नाउ व्हाट इज एपिफाइसिस? एपिफाइसिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर विच इज मेडअप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. So it's a connective tissue material made up of hyaline cartilage, and this hyaline cartilage is present at the end of the long bones. Long bones ko do structures aate hai. Kaun-kaun se do structures aate hai? To jaise for example, we have this structure. Ye wala jo structure, isko hum log bolte hai epiphysis. This one is the epiphysis. This one is known as the diaphysis. Diaphysis matlab shaft of the bone. So this cartilage, this plate made up of कौन सा कार्टिलेज? हाईलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस. ओके, तो दोनों के बीच में ये रहता है. सो दिस प्लेट इज नोन एज एपिफाइजियल प्लेट. ठीक. सर प्लीज शो लास्ट स्लाइड. लास्ट स्लाइड, अरे का है लास्ट स्लाइड? ये वाला. सो दैट सिम्फाइसिस वन वंस. सिम्फाइसिस वाला, दिस वन. यस सर, जस्ट अ मिनट. Done, sir. This is also done. Sanjeevani. Sanjeevani Atole. Sanjeevani ka naam kya hai? Yes. What is the name of Sanjeevani? Salanginella bryopteris, I guess. Good. Salanginella bryopteris. Sanjeevani, tera naam hai ye. Yes, सब लोग डाल रहे. इधर देखो, सानिका अद्वय, सेलेंजिनेला ड्रायोप्टेरिस. संजीवनी सिंह, थैंक यू सर. संजीवनी ऐसा नाम रख ले, सच में बोल रहा हूं मैं तुझे. तेरे आजू बाजू में भी कोई घूमेगा नहीं, सब डरेंगे तेरे से. ये कौन है पता है? सेलेंजिनेला ड्रायोप्टेरिस अटोले, ऐसा नाम रख तू तेरा. चलो नेक्स्ट. सो दिस इज एपिफाइजियल प्लेट. एपिफाइजियल प्लेट समझ में आ रहा है?
I know. So this is basically structure of the long bone known as the epiphysis, and this one is known as the diaphysis. हम लोगों ने bone में भी देखा था ये. खान सोफिया पूछ रही है कि why name like this? संजीवनी नाम का एक प्लांट होता है, उसका साइंटिफिक नेम है सेलेंजिनेला ड्रायोप्टेरिस, इसके लिए. ओके गुड. हनुमान जी लेकर आए थे ना कहीं से, श्रीलंका से, तो वही वाला संजीवनी. हिमालय से. हाँ हिमालय से. हाँ बरो सॉरी, श्रीलंका गया था लेके, हिमालय से लेके आया था. सॉरी उल्टा हो गया. करेक्ट. चलो I know, मॉड्यूल में भी है. सो देर इज एपिफाइसिस, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोन में भी दिखाया था. एंड हियर डू यू रिमेम्बर, इसको मैंने कुछ नाम दिया था. डू यू रिमेम्बर दिस? ट्रॉकेंटर. ट्रॉकेंटर, सो लाइक ग्रेटर ट्रॉकेंटर एंड लेसर ट्रॉकेंटर, ऐसा था ना, ट्रॉकेंटर बोलते उसको. सो दैट इज द एपिफाइसिस. ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट. Sir, we have to draw it? No. Wait, okay. Wait. Yeah, I'm coming. Just a minute. हाँ, draw मत करो इसको, सिर्फ ये नाम लिख के रखो. There is something known as the epiphysis and there is something known as diaphysis. Diaphysis is nothing but the shaft of the bone. Okay? तो ये अगर हेड है ऐसा, सो दिस इज द एपिफाइसिस, यहाँ पे ग्रेटर ट्रॉकेंटर है लाइक दिस, एंड दिस इज द डायफाइसिस, ये डायफाइसिस है. फिर से यहाँ पे नीचे आएगा एपिफाइसिस और ये आएगा डायफाइसिस. तो इधर एक प्लेट है और इधर एक प्लेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द एपिफाइजियल प्लेट. हेलो Okay, so this is something which is known as the epiphysis. तो यहाँ पे cartilaginous plate बनेगा, इधर cartilaginous plate बनेगा. Now remember, this is a temporary joint formed only in the children. Correct? By the time we start growing, मतलब as a after the immediately after the birth, this joint will be present at the end of the long bones. This is essential for increasing the length of the bone. But later on, within few months, this joint will fuse. क्योंकि fuse होके फिर ये cartilage का क्या बनेगा? So this entire structure will fuse to form a single bone. So it is ossified in the adult. Adult मतलब actually वो छोटे बच्चा छोटा होता है उसी time पे ये हो जाता है. So by the time the age advances, within 1 year, this particular joint will be lost. मतलब एक साल भी नहीं रहता, सिर्फ एक साल के लिए joint रहेगा. ठीक है, सो दिस इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ एज यू कैन सी हियर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज द बोन, द साइट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन. क्योंकि ये कार्टिलेज है ना, तो ये कार्टिलेज स्ट्रेच हो सकता है, ये स्ट्रेच होता है करके इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बोन, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है. बट इट इज फाउंड इन स्मॉल चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई अ टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट जॉइंट. एंड एज आई सेड, बाय द टाइम द चाइल्ड ग्रोज, एज जैसे एडवांस होते जाता है, विद इन 1 year और बाय द एंड ऑफ 1 year दिस जॉइंट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी इसका रहता है, सो इट प्रोवाइड्स, अभी इसकी जरूरत और क्या होती है, सो इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू द एंडोस्केलेटन ऑफ द चिल्ड्रन. तो छोटे बच्चों में जो इलास्टिसिटी आता है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन ये जो दिखा है ऐसा नहीं. ठीक है, हम लोग इन्फेंट्स अप टू द एज ऑफ 1 year, एट द मोस्ट 1.5 years उसकी बात कर रहे हैं. ओके बाद में ये जॉइंट पूरी तरह से नहीं, तो क्या हो जाएगा, बोन्स वीक पड़ जाएंगे ना. अगर ऐसे लॉन्ग बोन्स के बीच में अगर ऐसे कार्टिलेज रहेगा, सो इट विल मेक दैट पर्टिकुलर बोन वेरी वीक. लेकिन एक डेढ़ साल तक ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक, समझा सबको ये? गुड. चलो नेक्स्ट जॉइंट इज द सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस और प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है. तो उसमें फिर जैसे कनेक्टिंग मटेरियल हियर विल बी फाइब्रो कार्टिलेज. सो एज यू कैन सी हियर,
Here we have two bones, pubic bones joining with this fibrocartilage. So it's going to form a joint here that's known as pubic symphysis. Okay. So this is one pubic bone. This is another pubic bone. Donon ke beech mein kya hai? Donon ke beech mein hota hai fibrocartilage ka disc. Correct. So it's going to form a joint here known as the pubic symphysis. Clear? Samajh mein aa raha hai? ठीक है ना द कार्टिलेज हियर इज गोइंग टू बी ओपेक एंड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई इट बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर्स सो इलास्टिक फाइबर्स भी रहते हैं एंड प्लस कोलेजन फाइबर्स भी रहेंगे सो कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर से इसको थोड़ा सा मोबिलिटी मिलेगा बट कोलेजन फाइबर विल प्रोवाइड इट टफनेस तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की जगह यहाँ पे लिख दो toughness or the strength will be provided because of the collagen fibers and it also has the elastic fibers. So these elastic fibers will provide that small mobility. So thoda sa mobility, matlab thoda sa ye is tarike se move hota hai. That is how. Okay, somebody is late and telling me ki baro atat nahi hai, but I don't know who you are. Your name is not there. NK02NE30. I don't know. आपका नाम नहीं है. Hello. Okay. So basically, Tanishq. Okay, Tanishq. No problem. So basically, it is useful for what? It is useful for compression. मतलब it prevents, like you know, takes the force of compression. Bending में काम में आएगा. Twisting में काम में आएगा. So ये सारे fibers का help है. Correct. तो bending और twisting में तो इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा. But at the time when the child is developing inside the mother's womb, that time the pelvic cavity increases. Jab pelvic cavity increase hota hai, to aage ka jo joint hai na, wo thoda sa flexible hota hai karke, it provides that space. So during pregnancy, this joint is going to be very important, called as symphysis pubis. So more flexible in females because of this purpose. As I said, the baby is growing inside the mother's womb. So somewhere here we have this particular joint, as you can see here. So somewhere here this joint will be present like this. So it provides that flexibility. Correct? So pelvic cavity ka size bhi badega. And then therefore it also helps in the process of parturition. Parturition ka matlab aata hai delivery of the baby. Okay? ठीक है सो डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज द पार्चुरेशन सो फॉर दैट इट इज एसेंशियल प्यूबिक सिंफाइसिस अगर ब्रेक होता है जनरली नहीं ब्रेक होता है क्योंकि इतना कॉम्प्रेशन या फिर इतना प्रेशर आता नहीं उसके ऊपर इनकेस अगर होता भी है तो देन इट रिक्वायर्स कंप्लीट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1.5 मंथ और उसके बाद ही फिर वो कार्टिलेज फ्यूज हो सकते हैं या फिर आपको सर्जिकल उसको रिपेयर करना पड़ेगा But normally it doesn't happen. ठीक है Symphysis का first slide. ये है first slide. इसमें क्या चाहिए तुझे अमन ठीक है हाँ डन पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये पेल्विक कैविटी जो है थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्स हो जाता है मतलब प्रेशर आने के कारण थोड़ा सा स्प्रेड होता है So during that time, it provides flexibility to that particular pelvic bone. Okay. Then we have the next joint here called as an intervertebral joint.
ठीक है. सो इट्स अ जॉइंट विच इज फाउंड बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रा. लेकिन अभी ये जॉइंट कैसे बनता है, तो दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में वी हैव अ कार्टिलेजिनस डिस्क. सो वी हैव दिस वन वर्टिब्रा, दिस इज अनदर वर्टिब्रा, दोनों के बीच में होता है कार्टिलेजिनस डिस्क. बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा, देयरफॉर वी कॉल दिस एज इंटर वर्टिब्रल डिस्क विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज. सो ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइब्रो कार्टिलेज. ओके, फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है तो नेचुरली इट्स गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट, इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. तो इसका काम क्या रहेगा, सो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, ताकि हम लोग जब जंप वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे द शॉक्स विल बी एब्जॉर्ब. देन इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि पूरा स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से जा रहा है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा. प्लस विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, जो एक टिपिकल हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा दिस पर्टिकुलर जॉइंट. सो दैट्स कॉल्ड एज अ इंटर वर्टिब्रल जॉइंट. ओके, तो आपने कभी नाम सुना होगा, देयर इज वन नेम नोन एज द स्लिप डिस्क, ऐसा कभी सुना होगा. क्या होता है ना, अंदर से इधर से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, सॉरी यहां से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, बराबर है, लाइक दिस स्पाइनल कॉर्ड इज रनिंग लाइक दिस, गेट इन दिस. तो स्पाइनल कॉर्ड को भी ये बड़ी काफी हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर ये डिस्क का पोजीशन बदल जाता है ना, तो इट स्टार्ट्स कॉम्प्रेसिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर आर नर्व्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस. इधर से ऐसे नर्व्स बाहर आते हैं. सो दीज नर्व्स विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्रेस्ड इफ द पोजिशन ऑफ द डिस्क विल चेंज. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क. ठीक है, so that is how we see here. एक मिनट, स्टूडेंट्स एक मिनट है जरा. ओके, ये समझ में आ रहा है आपको, स्लिप डिस्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है ये स्लिप डिस्क. सो बेसिकली ये डिस्क का पोजीशन बदल जाता है या फिर एक्सेस एक्सर्शन के कारण फ्रिक्शन होके स्लिप, ये इंटरवर्टिबल डिस्क जो होता है ना वो डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है. सो देन देयर इज अ कंडीशन नोन एज स्लिप डिस्क. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर नर्व स्टार्ट्स गेटिंग कॉम्प्रेस्ड, सो विच एवर एरिया और द पार्ट दिस नर्व इज गिविंग नर्व सप्लाई टू, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग नम, तो वहां पे नमनेस आएगा या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, तो ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं. तो उसका सर्जिकल रिपेयर, तो ट्रैक्शन लगाते, देखो ट्रैक्शन लगाते मतलब क्या, ये वर्टिब्रा को खींचते हैं. तो ऐसे ऊपर से नीचे से वर्टिब्रा को खींचोगे तो नेचुरली ये डिस्क का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी सी द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग स्लिप डिस्क, हाँ सर्जिकली रिपेयर कर सकते. हेलो,
यस गौरव, इट इज बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर. मतलब यहाँ पे स्लिप डिस्क में ट्रैक्शन इज नॉट सर्जिकल, ट्रैक्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस. आप वेट लगा दो नेक के ऊपर या फिर पैर में लंबा रीजन की तरफ, थोड़ा सा ऐसे वेट लगा के पेशेंट को सुला देते हैं. ओके, तो देन दिस पर्टिकुलर वर्टिब्राज विल बी पुल्ड. अगर वो पुल हो जाते हैं ना, तो वो जो डिस्क होता है बीच वाला, सो दैट इज फ्रीड फॉर सम टाइम, थोड़ा सा फ्री हो जाता है. So after another 5-6 months, again the vertebra will come close, again it will start compressing, फिर से आप ट्रैक्शन लगाओ. Till the time the surgical repair is required. जब finally फिर आप surgical repair इसका कर सकते हो, ऐसा है. ठीक है, so this is a concept called as the slip disc. बहुत लोगों को होता है ये. Intervertebral joint का ये function लिख लो फटाफट. चलो, shock acts as a shock absorber, protection of the spinal cord and providing flexibility. Is a work done by intervertebral joint. ठीक है, fine. तो अभी सारे joint हो गए हमारे. कौन कौन से? सबसे पहला joint हम लोगों ने कौन सा देखा? The first joint which we have seen here is, बोलो जल्दी, synarthrosis. Correct? Synarthrosis में सबसे पहला joint कौन सा था? Sutures. Sutures के बाद क्या आया? Syndesmosis. Very good. उसके बाद क्या आएगा? Pomphosis. Also known as what? Peg and socket type of joint. उसके बाद क्या आएगा? Amphiarthrosis. Correct? Amphiarthrosis में पहला joint कौन सा है? Synchondrosis. Very good. Synchondrosis का example? Epiphyseal plate. उसके बाद नेक्स्ट वन सिम्फाइसिस का एग्जाम्पल क्यूबिक सिम्फाइसिस एंड लास्ट वन इज द इंटरवर्टेब्रल जॉइंट. यस, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट. करेक्ट, ठीक. अभी बचा कौन? तीसरा जॉइंट कौन सा? The typical diarthrosis, which is also known as a typical synovial joint. Okay, diarthrosis or also known as the synovial joint. So it is known as the perfect joint. Why perfect joint? क्योंकि joint के लिए जितने भी structures या भी जो भी चीजें लगती है, they are all present in this particular joint. So everything will be here. So that's why it is known as the perfect joint. So it's a well-developed structures for the free movement. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट जॉइंट बिकॉज इट हैज वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स फॉर द फ्री मूवमेंट. तो हमारे हाथों का, पैरों का जितना भी जैसा भी फ्री मूवमेंट होता है, दैट फ्री मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इवॉल्व टाइप ऑफ अ जॉइंट. तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड या फिर इवॉल्व जॉइंट यही होता है. फाइन, ठीक. तो देखते हैं कि ये जॉइंट है क्या, टिपिकल साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या आते हैं. तो जैसे डायग्रामेटिकली आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा. सो एज यू कैन सी हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव इज द बोन. तो वो तो चाहिए अपने को, एक बोन और दूसरा बोन. लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड. डन, हो गया. लोहिता, चलो एनीवे, लोहिता का हो गया शायद. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल, टिपिकल डायग्राम ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट. तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. तो सबसे पहला तो बोन आएगा. सो हियर वी हैव वन मोर, हियर वी हैव अनदर बोन. करेक्ट, अच्छा. बोथ द सर्फेसेस ऑफ द बोन, एंड पार्ट ऑफ द बोन, द एंड पोर्शन ऑफ द बोन विल हैव द कार्टिलेज. हाईलाइन कार्टिलेज होता है, तो वो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको. सो दैट इट विल प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. सारे ऑल द जॉइंट्स विल हैव द अटैचमेंट विद द लिगामेंट, सो देयर विल बी लिगामेंट. करेक्ट, नाउ देयर इज अ मेम्ब्रेन, जो रेड कलर का मेम्ब्रेन है, दैट्स कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द साइनोवियल मेम्ब्रेन. वेट पीयूष, साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड इट्स अ मेम्ब्रेन विच इज गोइंग टू सिक्रीट अ फ्लूइड. सो दैट फ्लूइड इज नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड. And synovial fluid is like a lubricant.
मतलब जब बोन ऐसे मूव होते हैं तो दिस फ्लूइड विल एक्ट लाइक अ ल्यूब्रिकेंट विल ल्यूब्रिकेट द जॉइंट सो दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स विल नॉट टेक प्लेस एंड द डैमेज विल नॉट टेक प्लेस करेक्ट सो इस तरीके से ये टिपिकल जॉइंट बनता है ये जॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम राइट नाउ ठीक है आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टाइम प्लीज ड्रॉ इट
ओके डन एवरीवन. हाँ बोल अमन, तेरी आवाज क्या है? अमन बोल रहा है कोई मेरी आवाज सुन सकता है क्या? ओके चलो ठीक है. सो वी हैव द बोन्स हियर. तो कितने स्ट्रक्चर्स आ गए? बोन आ गया, लिगामेंट आ गया, कार्टिलेज आ गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन आ गया और साइनोवियल फ्लूइड. तो ऐसे पांच अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. सो दीज आर द फाइव स्ट्रक्चर्स विच आर देयर विच इज गोइंग टू फॉर्म अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट. ओके सो एज आई सेड दीज जॉइंट्स विल हैव दिस मेम्ब्रेन हियर. सो इट इज लाइंड बाय इट इज द मेम्ब्रेन विच लाइन्स द कैविटी हियर और रादर there is a membrane which is present around this particular joint called as the synovial membrane and because of that it's going to form a cavity between the bones or the cavity is formed in the joint so that's called as the synovial cavity and as I said it's a cavity so naturally this cavity cannot remain empty khali nahi reh sakta hai it should have something inside so this membrane is going to secrete a fluid okay So that fluid is known as the synovial fluid, right? तो ये सारा cavity बनेगा और membrane बनाएगा synovial capsule. And this synovial membrane is going to secrete a fluid called as a synovial fluid. And this fluid will protect all the internal parts of the joint and prevents the friction between the bones. दो bones के बीच में friction नहीं होना चाहिए करके ये काम आता है. So synovial fluid will be secreted Aman by the cells of the synovial membrane. Okay. So cells of the synovial membrane will secrete this. So basically we call this as synovial capsule. Membrane hai. Membrane ne pura andar se cavity bana diya. Toh usko humne kya naam diya? Synovial capsule. And the cavity which is formed here is known as synovial cavity. And that cavity will be filled with the fluid known as the synovial fluid secreted by the synovial membrane. तो ये membrane ही secrete करता है. ठीक यहां तक? Everyone? चलो, good. Now, the synovial fluid जिसके अभी हम लोग बात कर रहे थे, so it is a lubricating fluid. So it's a clear, yellowish, slimy, viscous fluid. Okay? And it has the viscosity or the sliminess is basically because of the presence of this hyaluronic acid. Hyaluronic acid is present here. So it makes the fluid viscous and slimy and it is secreted by the synovial membrane, the cells of the synovial membrane. So what will be the purpose and function of this? So it provides nutrients to the parts of the joint. And also nourishes this cartilage. ये जो cartilage दिख रहा है end bone पे, so that is known as hyaline cartilage. एकदम clean, light color का cartilage होता है, called as the hyaline. Remember, hyaline cartilage is present only at the end of the long bones. So suppose ये एक bone है, ये दूसरा bone है, दोनों के end पे आपको ये cartilage मिलेगा, known as the hyaline cartilage. Correct? So उसको nourish करने का काम करेगा ये fluid. ठीक है, सो देन देर विल बी सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस बिकॉज ऑफ विच इट बिकम स्लाइमी सो दैट स्लाइमीनेस प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू द जॉइंट सो दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स विल बी प्रिवेंटेड. करेक्ट, जैसे ये टिपिकल फ्लूइड होता है नी जॉइंट में भी रहता है. दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द नी जॉइंट एज वेल. ओके, तो ऑयली सिक्रीशन होता है. तो डॉक्टर कभी कभी बोलता है ना कि ऑयल कम हो गया, पानी कम हो गया घुटनों में वगैरह वगैरह, ऐसा कभी डॉक्टर्स बोलते हैं. सो बेसिकली दिस फ्लूइड एंड इट्स सिक्रीशन इज गेटिंग रिड्यूस जब इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का, तब, अदरवाइज नहीं. ओके, synovial fluid will also have the phagocytes. What will be the function of phagocytes? Phagocytes will help in the mechanism of phagocytosis. So they remove the microorganisms and the cellular debris. ठीक है सर, आफ्टर दिस शो लास्ट स्लाइड. यस यस, सो सेल्यूलर डेब्रिस को निकालने का काम करेगा. सो दैट इज द वर्क डन बाय द फैगोसाइट्स. सो अदर देन दिस ऑल दिस थिंग्स दे आर गोइंग टू हैव द फैगोसाइट्स एज वेल, क्योंकि इट्स अ कैविटी मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. करेक्ट, दिस टिश्यूज कैन गेट अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई ऑल्सो. सो थ्रू ब्लड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन गेन द एंट्री. So to make sure that this structure does not get infected, we have the phagocytes. Okay? Slide before this. Bapre. Ye wala. Done, Sanjeevani?
ओके, ये सब लिख लिया, लिख रहे हैं ना सब लोग? सो बेसिकली इट्स अ येलोइश स्लाइमी विस्कस फ्लूइड व्हिच इज व्हिच हैज द हाइलुरोनिक एसिड प्रोवाइड्स विस्कोसिटी एंड स्लाइमीनेस. फर्दर स्लाइमीनेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूकस, सो इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट. ठीक है, सो दैट द फ्लूइड विल एक्ट लाइक अ ल्यूब्रिकेंट एंड विल ल्यूब्रिकेट दिस पर्टिकुलर जॉइंट. तो ये काम रहेगा. Fine, and then there is presence of phagocytes, and phagocytes will do what? Phagocytes will start removing the microorganism and the cell debris. उसको निकालने का काम करेगा, ठीक है? Now, the deficiency of the synovial fluid if it is there, मतलब synovial fluid अगर joint से कम हो गया, तो then there will be inflammation of the joint called as arthrosclerosis. मतलब joint का damage होना चालू हो जाएगा. नहीं नहीं फ्लूइड से नहीं आता है साउंड, लो ही था. दैट फिंगर क्रैकिंग इज साउंड इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स. जो लिगामेंट हमारे स्ट्रेच्ड होते हैं, सो व्हाइल वी एक्चुअली क्रैक द फिंगर्स दैट टाइम द लिगामेंट्स विल रिलैक्स, सो दैट रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस द साउंड. ओके, ये अलग है. सो हियर वी हैव अ कंडीशन नोन एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. ओके, विच इज नथिंग, विच हैज द स्टिफनेस कंप्लेंट लाइक स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, pain in the joint, swelling of the joint at times. तो ये सब आना चालू हो जाता है. So this is क्या हो गया? Fluid ही नहीं है ना? Fluid नहीं है तो naturally the joints का जो movement है वो hamper हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं arthrosclerosis. Correct? So ये condition produce होगा because of the deficiency of the synovial fluid. ठीक? यही last slide लो ही था. इसके पहले वाला चाहिए? This one. Finished. Okay. तो ये तो हो गया synovial fluid का deficiency. Next we have the hyaline cartilage, the one which is present at the end of the long bones. तो यहां पे रहेगा. ठीक है सर, डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा ऑयली फूड खाओ. नहीं नहीं, क्यों ऐसा ऑयली फूड खाने का? तो फैट डिपॉजिट हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, पागल ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस? सो दिस इज अ कार्टिलेज व्हिच कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस. आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस मतलब क्या? द सर्फेसेस व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म द जॉइंट. ओके, सो इट अवॉइड्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स. ठीक है, so because of this what happens? Because of this it prevents or it avoids the direct contact between the bones. ठीक है, this is very important. तो direct bones एक दूसरे के साथ connect होते नहीं है. Are you getting this? So that is how we observe this particular part. ठीक, so avoids the friction between the bones. So bone में, दो bones में friction नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? The edges of the bones will start getting damaged. लेकिन होता क्या है? As the age advances with the old age, the natural destruction of this cartilage will take place. The amount of fluid will reduce so that these two bones will start coming in contact with each other and then they start making friction between them. तो bone को damage होना चालू हो जाता है, फिर उसको हम लोग बोलते हैं arthritis. ठीक है, so उसको बोलते हैं हम लोग arthritis. तो ये complaint आता है because of this. So the condition is known as osteoarthritis. Osteoarthritis मतलब क्या? It's a typical old age disorder. Natural disease है ये, सबको होने वाला है. आपको, मुझे, हम सबको होगा ये. By the time we are 60, 65, 70 ऐसे हो जाएंगे. So this is going to happen naturally. क्योंकि oil जो रहता है, मतलब ये जो fluid होता है, synovial fluid, ये कम हो जाता है. Cartilage gets damaged. क्योंकि old हो चुका है, तो it starts getting damaged. The friction between the bones will start and this friction between the bone will start creating damage to the bones. So bones damage hona chalu ho jate hai. Correct? And because of that, there will be inflammation. Right? And inflammation will lead to this condition known as osteoarthritis. तो बस उसकी वजह से क्या होगा? तो आप देखो ना, घर में दादा दादी नाना नानी रहेंगे, तो they will complain of pain. They will complain of stiffness of joint. एक typical posture उनका change हो जाता है. There will be swelling to the joint. There will be redness of the joint. तो ये सब typical complaints आना चालू हो जाएंगे.
right? Because of this. So this is known as osteoarthritis. Okay. Then the next important structure which we have is the ligament. So ligament bhi do type ke rahenge. There is ligament present inside the capsule, and then there is ligament present outside the capsule. Theek hai? Ye wala slide. पहुंचे हैं हम लोग सो ये हो गया आपका अच्छा लिगामेंट दो टाइप का रहेगा कौन सा लिगामेंट रहेगा वन इज बेसिकली द लिगामेंट प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल एंड आउटसाइड द कैप्सूल ठीक है सो देयर इज वन लिगामेंट कॉल्ड एज कैप्सुलर लिगामेंट द वन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल एंड देन वी हैव द एक्सेसरी लिगामेंट व्हिच इज जनरली प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सूल ठीक है
सर सर ठीक है सो ऐसे दो अलग टाइप के लिगामेंट्स एज यू कैन सी हियर दिस वन इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल राइट दिस इज द कैप्सूल व्हिच इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस एंड द लिगामेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल सो वी कॉल दिस एज इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट इंट्रा मीनिंग इनसाइड Whereas you can see that there is a ligament which is present outside the capsule. As I said, this is how the capsule is drawn here, like this and like this. And this ligament is present outside the capsule. Therefore, we call that as extracapsular or accessory ligament. And what will be the use of these ligaments? Last time bhi maine bataya tha that they will hold these bones in one position and will not allow them to dislocate. So it prevents the dislocation of the joints. ठीक है सो जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर और द ह्यूमरस इज गेटिंग फिटेड इनटू द कप शेप्ड सॉकेट नाउ हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव द लिगामेंट्स Around this as well as over this like this. Okay? So this is how the presence of these ligaments will be there. Or ligament ka kaam kya rahega? Ligament ka kaam rahega to prevent the dislocation of the joint. So that is the work done by the ligament and will help to hold them together. So ligaments are basically made up of elastic fibers. Okay? Less of collagen and more of elastic. And because of this, it provides flexibility. Because if there is collagen, then it will provide toughness. So, if ligaments tough, the movement of the joint will be restricted. So, that should not happen. And that is why it is made up of majorly elastic and less of collagen fibers. Clear? Clear, everyone? Hello? Yes, sir. Perfect. Chalo, good. फाइन चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स तो देख लिए टिपिकल जॉइंट के अभी कल वापस लेक्चर है मेरा तो उस टाइम पे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ ओके थोड़ा सा पार्ट बचता है लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक तो जॉइंट्स पढ़ लेते हैं मसल्स का थोड़ा सा पार्ट रहेगा सो दैट वी विल स्टडी एंड डिसीजेस ओके चलो थैंक यू वेरी मच टेंडन्स नहीं रहेंगे जॉइंट में टेंडन्स कहाँ रहते हैं भाई बाय बाय सी यू टेक केयर सर इसके बाद थैंक यू सर इसके बाद क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बताया ना मैंने फोटोसिंथेसिस okay. कौन सा लास्ट स्लाइड रे बुशरा दिस वन डन बुशरा बाय सर बाय बाय इसके पीछे का दिस वन ओके चलो बाय